हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ हम सबको बहुत ही पसंद आने वाले बेसन के दानेदार परफेक्ट लड्डू की रेसिपी। मैं एक एक टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके भी लड्डू परफेक्ट बनेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने 150 ग्राम तगाड़ लिया है। अगर टी कप से देखा जाए तो ये 1.5 कप है। बेसन हम 250 ग्राम लिए हैं, टी कप से 2.5 कप। बेसन के लड्डू के लिए मोटा वाला बेसन परफेक्ट होता है। घी हम 1 कप लेंगे, जितना यूज होगा उतना करेंगे। 3 चम्मच खरबूजे का बीज, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले खरबूजे के बीज को हम रोस्ट करेंगे, तो उसके लिए गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे। अब हम खरबूजे के बीज को डालेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है चलाते हुए जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज न हो जाए और ये चटकने न लगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये हल्का सा चटकने लगेगा। इसे हमें हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर ये जल जाएगा और जब लड्डू में डालेंगे तो उसका टेस्ट कड़वा लगेगा। अब इसका कलर चेंज हो गया है तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और उसी कढ़ाई को रखेंगे और उसमें हम 4 चम्मच घी डालेंगे। तो सबसे पहले हम 4 चम्मच घी डाल रहे हैं, बाद में जरूरत होगी तो हम और डालेंगे। को मेल्ट होने देंगे। जब तक घी मेल्ट हो रहा है तब तक हम तगाड़ के बारे में बता देते हैं कि तगाड़ चीनी को गला के बनाते हैं। अगर तगाड़ आपके पास ना हो तो चीनी को पीस के आप डाल सकते हैं, लेकिन तगाड़ से लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अब हम बेसन डालेंगे। बेसन को हमें लो फ्लेम पे चलाते हुए 20 से 22 मिनट तक रोस्ट करना है। इसे घी में हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और जो लम्स है उसे स्पैचुला से हम दबाते जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से दबाने से जो भी थोड़े बहुत लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम इसे चलाते हुए तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो बेसन के लड्डू खाते हैं तो उनके गले में चिपक जाता है। ऐसा तब होता है कि जब बेसन को हम बढ़िया से भूने नहीं रहते हैं। तो जब भी बेसन के लड्डू बनाएं तो बेसन को बढ़िया से भूने, इससे हमारे गले में वो चिपकेगा नहीं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बेसन को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। बेसन को जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे इसकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगेगी। बेसन को भूनते टाइम थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि सारी मेहनत बेसन को भूनने में ही है। अब यहाँ पे 1 चम्मच घी हम और डाल रहे हैं, क्योंकि बेसन थोड़ा हमें सूखा लग रहा था, तो टोटल 5 चम्मच घी का हम यूज किए हैं। तो बढ़िया से मिक्स कर ले। एक साथ घी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो मिक्सचर हमारा गीला हो जाएगा, फिर लड्डू हमारा बन नहीं पाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखें। बेसन का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इसे हम ऐसे ही लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनते रहेंगे। बेसन में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बेसन जैसे जैसे भूनता जाएगा इसमें से घी रिलीज होने लगेगा। तो घी रिलीज होना शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे थोड़ी देर हम और भून लेंगे। अब हमारे लड्डू मार्केट जैसे दानेदार बने उसके लिए एक टिप्स हम अपनाएंगे। तो थोड़ा सा पानी लेंगे और बेसन में छींटा मार देंगे, इससे हमारे बेसन फूल जाएंगे और हमारे लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे दानेदार बनेंगे। अगर आप मोटे बेसन लिए हैं तो ये प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल बेसन लिए हैं तो इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं। थोड़ी देर भून लेंगे जिसे पानी सूख जाए। अब गैस को बंद करेंगे और थोड़ी देर इसे फिर से चलाएंगे 2 से 3 मिनट, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है और बेसन अगर छोड़ देंगे तो जल जाएगा। तो 2 से 3 मिनट भून लिए। अब इसे एक प्लेट पे हम निकाल देंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हम निकाल दिए, इसे थोड़ी देर चला लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसन को एक बार छू के देख लेते हैं। बेसन को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। ये इतना गर्म है कि इसे हम आसानी से छू सकते हैं। बेसन बहुत हल्का सा गर्म है। अब इसमें हम खरबूजे का बीज डालेंगे जो रोस्ट करके रखे थे, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और तगाड़ डालेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनके मिक्सर गीले हो गए हैं, उनके लड्डू बन नहीं पा रहे हैं। ऐसा तभी होता है कि जब गर्म बेसन में हम तगाड़ को डाल देते हैं तो मेल्ट हो जाता है, फिर हमारे लड्डू बन नहीं पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम नींबू के बराबर थोड़ा सा भाग लेंगे और गोल गोल बना के लड्डू का शेप देंगे। तो आप जितना छोटा बड़ा लड्डू का साइज रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख सकते हैं। अगर आपका मिक्सर सूखा हो गया है और लड्डू आपका नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दें मेल्ट करके, इससे आपके लड्डू बनने लगेंगे। तो ये देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार है, बिल्कुल गोल, कितना सुंदर बना है और बहुत ही दानेदार। तो इसे हम गार्निश काजू से कर रहे हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उससे गार्निश कर सकते हैं। एक और लड्डू हम बना के दिखाते हैं कि देखिए कितने सुंदर लड्डू हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे सारे लड्डू को बना के हम तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे लड्डू बने हैं। जितने ये देखने में सुंदर लग रहे हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसे फ्रिज में न रखें, इसे बाहर ही रखें किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के, तो आपके लड्डू कड़े नहीं होंगे। जब भी आपका मीठा खाने का हो मन तो इस बेसन के लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने पे अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।